मैग्ना कार्टा जे आलं ते मॅग्ना कार्टा हे 1215 साली आलं, किंग जॉनने आणलं आणि तेव्हा त्यांच्या विरुद्ध एक बंड झालं होतं सिव्हिल लिबर्टीजसाठी. पहिल्यांदा सिव्हिल लिबर्टीज डिफाईन झाले आणि न्यायव्यवस्था अभी फिर से बोलू या जगाच्या इतिहासामध्ये खूप पूर्वी साधारण 1215 मध्ये किंग जॉन हा जेव्हा इंग्लंडचा राजा होता तेव्हा तिथे बंड झालं, त्याच्या विरुद्ध उठाव झाला मानवी अधिकारांवर. आणि ती थेम्स नावाची नदी आहे त्याच्या काठावरती पहिल्यांदा एक मॅग्ना कार्टा आला. मॅग्ना कार्टा इज कन्सिड म्हणजे असं मानतात की मॅग्ना कार्टा ही सगळ्या कॉन्स्टिट्यूशनची आई आहे, त्याच्यातनं कॉन्स्टिट्यूशनला जन्म मिळाला. इथनं सेपरेशन ऑफ म्हणजे लेजिस्लेटिव्हच्या पॉवर्स काय आणल्या पाहिजे आणि एक्झिक्युटिव्हच्या पॉवर काय असल्या पाहिजेत आणि त्याच्यात किती डिफरन्स म्हणजे त्याच्यात एक मध्ये भिंत कशी असावी याबद्दल तेव्हा बोललं गेलं. त्याच्यानंतर इव्होल्युशन होत गेलं, त्याच्यानंतर पुढे गेलो आणि नंतर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉवर आलं. सेपरेशन ऑफ पॉवरमध्ये स्पष्टपणाने म्हटलंय की असं कुठलंही गोष्ट होता कामा नाही ज्याच्यामध्ये ज्युडिशियरी ही एक्झिक्युटिव्हनी इन्फ्लुएन्स होईल आणि एक्झिक्युटिव्ह ही ज्युडिशियरीने इन्फ्लुएन्स होईल. आपल्या संविधानामध्ये पण सेपरेशन ऑफ पॉवर दिलेली आहे. आता सेपरेशन ऑफ पॉवर म्हणजे काय? तर अधिकृतरित्या पंतप्रधान आणि कोणी जस्टिस हे जर एखाद्या मीटिंगला अधिकृतरित्या एकत्र असतील तर त्याला कोणीही ऑब्जेक्शन घेत नाही. पण अनधिकृतरित्या ज्याला शासकीय मान्यता नाही असं कुठेही त्यांनी भेटू नये हा प्रमाद 1215 मध्ये आलेला आहे. आणि जगाचे सगळे डॉक्युमेंट्स बघितले तुम्ही, सगळ्या कॉन्स्टिट्यूशन, अगदी इंग्लंडचं सुद्धा कॉन्स्टिट्यूशन बघितलं तर सेपरेशन ऑफ पॉवर इज डिफाईन्ड. तुम्हाला का वाटतं आपण नेहमी म्हणतो की न्याय देवता ही अंधळी आहे, असं का वाटतं? तर न्याय देवतेने बघून तिच्यावर कुठलीही मानसिक दबाव येऊ नये, तिच्यावर मानसिक परिणाम होऊ नये, तिच्या विचारांवर मानसिक परिणाम होऊ नये म्हणून ती पट्टी आहे. हे साधारण असं अपेक्षित असतं की जजेसने टी व्ही बघू नये, बातम्या बघू नये, जजेसने पेपर वाचू नये, जजेसने बाहेरच्या जगाशी कमीत कमी संबंध ठेवावा असं जगाच्या लॉ मध्ये म्हटलंय. म्हणजे हा काही भारतासाठी लागू आहे असं नाही, जिथे जिथे लोकशाही राहील तिथे तिथे हे प्रमाण मानलं जाईल. फक्त ह्या प्रमाणाचा विचार केला तर मग ते सर्व जे प्रमाण आहेत आणि जे मॅग्ना कार्टा आहे ते 1215 साली आलंय ते धुळीला मिळालं. जगातल्या सगळ्या संविधानामध्ये जे सेपरेशन ऑफ पॉवर आहे ते धुळीला मिळालं. ह्याच्यावरती मी काय बोलू शकतो अजून? सर ये बता दे, पीएम मोदी ने कल ऐसा है कि इतिहास में जाना पड़ेगा, ये कोई आज की बात नहीं है. मैं कह रहा हूं ये बात 1215 में जब किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा निकाला. मैग्ना कार्टा ये हर संविधान की मां समझी जाती है, चाहे वो संविधान फ्रांस का हो, चाहे वो संविधान इंग्लैंड का हो, सबसे जुड़ा संविधान इंग्लैंड का माना जाता है, चाहे वो अमेरिका का हो और चाहे वो भारत का हो, वो सबकी मां समझी जाती है. क्योंकि उस वक्त के लोगों ने किंग जॉन के खिलाफ बंड पुकार लिया था कि मानवीय अधिकारों का हरदम उल्लंघन होता है. तब मानवीय अधिकार क्या होंगे, लेजिस्लेटिव क्या होगा, डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया. वो आस्ते 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 उसमें बदलाव आता गया, उसका स्थान फिर सब कॉन्स्टिट्यूशन में आया. जब
दुनिया में जितने कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सब में सेपरेशन ऑफ पावर है। जैसे हम देखते हैं कि एक तरफ लेजिस्लेटिव है, एक तरफ जुडिशियरी है, तो ये पर्दा रहना चाहिए। इसके लिए हर संविधान ने लिखा है, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। अभी जब आप देखते हैं कि न्याय देवता के आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, वो क्यों बांध दी है कि उसने कुछ भी ऐसा देखना नहीं चाहिए कि कल अगर कोई किस देश हो तो उनको बाहर से कोई मालूमात मिले और वो इन्फ्लुएंस हो जाए, उस बारे में मालूमात मिलने के बाद वो इन्फ्लुएंस हो जाए, ऐसी कोई भी चीज उनके नजर में नहीं आनी चाहिए। असलियत तो ये है कि जजेस को पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, जजेस को टीवी नहीं देखना चाहिए, जजेस को ये कुछ नहीं करना चाहिए ताकि उनकी मानसिकता उस केस के बारे में तैयार हो जाए। देखो, जब सम्मेलन होते हैं, सरकारी होते हैं, जुडिशियल होते हैं, तब पंत प्रधान हो या कोई लॉ मिनिस्टर हो तो वो बेस्ट है, भाषण करते हैं। लेकिन आपने कहीं किसी पार्टी में किसी जज को देखा है? तो ये जो दूरी बनाए रखने की बात है, ये दुनिया के सभी संविधानों में है, ये भारत का संविधान अकेला नहीं है, भारत के संविधान में तो है ही। लेकिन अगर ऐसा होता रहा, सब दुनिया के संविधान आज महाविकास आघाडीची तिसरी बैठक आहे, तर कशा पद्धतीने, कारण असं सांगितलं जातंय की मुंबईचं जागा वाटप जवळपास पूर्ण झालं। आम्हाला वरतीचं जाऊ द्या, अजून मी तुमच्याशी खालीच बोलतो। आणि मुंडे ह्या दिवशी संवैधानिक पद पर बैठते हैं, उन्होंने आज एक बयान दिया है, कहा कि राहुल गांधी की जीप काटना गलत बयान है, लेकिन जीप काटने के बदले उनको चटके देनी चाहिए। चटके दो, गोलियां मारो, बाल काटो, नखून खींचलो, भाषा इस्तेमाल करो, तुम्हारे बाप का राज है भाई, कुछ भी बोलो, क्या बोलेंगे, हम गरीब आदमी है, उठा के जेल में डाल दो। गणपति विसर्जन के दौरान कई क्षेत्र है जहाँ पर हिंसा हुई, भिवंडी उनमें से एक आता है, क्या लिखा आखिर ये परिवर्तन क्यों आ रहा है? ये परिवर्तन नहीं है, ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा की का चुनाव आ रहा है, तो ये नहीं करेंगे तो वो जीतेंगे नहीं। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में और दंगे होंगे, हिंदू मुसलमानों को उचकाया जाएगा, मतों का ध्रुवीकरण नहीं करेंगे तो इनको 125 के अंदर समेटना पड़ेगा। सर आप उसी जिले से आते हैं, भिवंडी में आखिरकार हुआ क्या, कहां से शुरुआत हुई, कुछ जानकारी मिली है? पुलिस क्या से नहीं मिली है और बिना जानकारी के मैं नहीं बात करूँ। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, छोटा मोटी बता दीजिए। नहीं, मैं ऊपर गया ही नहीं हूँ तो मुझे कहाँ से एजेंडा मार। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो कल रात को फोन आया, मीटिंग है तो मैं मीटिंग में आ गया। संजय राउत और आप साथ में आए, हमें लगा आपकी प्री मीटिंग हुई है। नहीं, मैं किसी से प्री मीटिंग नहीं करता हूँ, मैं पवार साहब से प्री मीटिंग करके आया, उनके घर पे बैठा था, आप इधर आए। अमृता फडणवीस यांना म्हणतात की राजकारणातला कचरा साफ करण्यासाठी तुम्ही आता सक्रिय राजकारणात या। आता मंगल प्रभात दोघांची इच्छा असेल त्यांनी यावं, फक्त त्यांना कचरा साफ करण्यासाठी म्हणून नाही, त्या काही कचरा वेचक नाहीत ना। आज गणेश उत्सवानंतर चौपाटीवर जे काही शब्द जरा जपून वापरावेत, एखाद्या स्त्रीबद्दल जेव्हा आपण बोलतो, इतक्या प्रतिभावान इतक्या प्रतिभावंत माणसाच्या पत्नीबद्दल बोलतो, तेव्हा कचरा साफ करायला आया हे शब्द चुकीचे। दुसरं असं अमृता मॅडम नाही तर अमृता मा म्हणून तुम्हाला, त्यांची त्यांची त्यांच्या मनाची इच्छा, कोणाला मा म्हणायचं कोणाला पिताजी म्हणायचं लोडा ठरवतील, मी काय बोलणार तुझे। राजकारणात यावं असं वाटतं तुम्हाला? मी काय ठरवणार, त्यांचा पती आहे, त्या स्वतः एक इंडिपेंडेंट वुमन आहे, आम्ही कसं बोलणार त्याच्यावर, काय कारण नसताना नको ते प्रश्न विचारून तुम्हाला आमच्याकडनं कॉन्ट्रोवर्सी काढायची असती काय? नाना पटोले असं म्हणतात की आम्ही एक सर्वे केला ज्यामध्ये 100 जागा काँग्रेसला घेतली, हे बघा कोणी काय सर्वे केलाय, कोणी काय हे केलंय, मी दुसरं काय बोलतो याच्यावर कशाला विधान करू, माझं कामच नाही येते। काही सर्वे अंतर्गत महाविकास आघाडीने केले, महाविकास आघाडीची सत्ता येईल एवढा सर्वे झालेला। अरे क्यों आपको इतना जल्दी जल्दबाजी है, सीट शेयरिंग कहाँ पूछिए किधर तक आई है, 50 हो गए कैसे हो गए, जब होगी तब आपके कानों पे आ जाएगी। महाविकास आघाड़ी के दो घटक
उद्धव ठाकरे जी और नाना पटोले ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना अगर महसूस आ रही है तो लागू करेंगे। एनसीपी सोच रहा है हम भी लागू करें, लेकिन आप लोगों ने लाडली बहन योजना का विरोध किया था कि सरकार के पास पैसा नहीं है, चुनाव के बाद तो दे नहीं पाएंगे। अरे हमारी सरकार आएगी तो बराबर टैक्स बिक्स करके अच्छा पैसा जमा हो जाएगा। आप महाराष्ट्र की आज की इकोनॉमिक स्थिति के बारे में जरा आप बात करिए, अगले महीने का पगार नहीं निकलने वाला, ऐसी हालत है। सबकी सब योजना रोकी गई है, विद्यार्थियों के पैसे रोके गए हैं। आप लोग नहीं वो चीज पूछते, लेकिन महाराष्ट्र कहाँ पहुंचा है, समंदर के किस स्तर पे पहुंचा है, इसकी मालूमात लीजिए। फिनेंशियली आर्थिक अवस्था महाराष्ट्र की इतनी खराब है कि आने वाले दिनों में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पूछ लिए, उसको बिल नहीं मिला है, हजारों करोड़ रुपए के बिल पेंडिंग है। इसीलिए सवाल है कि ओपीएस में कैसे लाएंगे आप लोग, क्यों करेंगे? हम करेंगे ना, हमको हमने सरकार चलाई है 15 साल, हमें मालूम है। हम कोई योजना मतों के लिए नहीं लाए, हमने 15 साल सरकार चलाई, लेकिन हमने कभी भी चुनाव योजनाओं पे प्रभु ध्यान रख के हमने चुनाव नहीं जीता है। हमारा इतिहास है कि हमने लोगों को लालच देके वोट नहीं लिए। और सर महामंडळाचं वाटप मुक्त झालं, अजितदादांच्या पार्टीच्या हाती काही लागलं नाही, नारायण जाऊ द्यावं, त्यांच्या हाती काय लागलं नाही, यांच्या हाती काय लागलं, आम्हाला काय करायचंय, कुणाच्या हाती काय लागलं, एखाद्या महिन्याचा खेळ आहे, आचारसंहिता लागल्यावर सगळं संपलं। आता जे काय करायचं ते 15 दिवसात हे सरकार करेल, पोलीस केस, ह्याची कंप्लेंट, त्याची कंप्लेंट, हा चालू आहे, 15 दिवस आहेत आता।